आईपीएम तकनीक बनी वरदान, महिलाएं सब्जियों की खेती से हो रही हैं आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम, आईपीएम तकनीक बनी वरदान, अब महिलाएं भी हो रही हैं आत्मनिर्भर। मिशन प्राकृतिक खेती को मिल रहा है बढ़ावा। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर मॉडल की ओर अग्रसर मिशन प्राकृतिक खेती तेजी से अपने पैर पसार रही है। इस खेती में जिले के ग्रामीणांचल की महिलाएं भी धीरे धीरे गैर रासायनिक कम लागत वाली एकीकृत नाशी जीवी प्रबंधन विधि से प्राकृतिक खेती की ओर रुख कर रही हैं। न सिर्फ इससे कम समय में अच्छी पैदावार होने से महिलाओं को बेहतर कमाई हो रही है, बल्कि वह सशक्त भी हो रही हैं। जिले की मुख्य विकास अधिकारी एकता सिंह के निर्देश पर कृषि विभाग द्वारा किसानों को आईपीएम विधि से प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षित भी किया गया है, जिसमें तकनीकी जानकारी लेने के लिए महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यूपी के बाराबंकी जिले में किसानों को मिशन प्राकृतिक खेती से जोड़ने की कवायद रंग लाने लगी है। मुख्य विकास अधिकारी एकता सिंह की इस पहल से प्रेरित होकर जिले में हजारों की संख्या में किसानों ने एकीकृत नाशी जीवी प्रबंधन यानी आईपीएम तकनीक के प्रयोग से फसलों को नष्ट करने वाले कीटों को नियंत्रण करने के लिए पीले, काले, नीले, लाल और सफेद स्टिकी ट्रैप, लाइट ट्रैप व स्पाइन बुश नियंत्रण अपने खेतों में लगाकर हानिकारक रासायनिक उर्वरक मुक्त खेती कर शुद्ध सब्जियां उगा रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी एकता सिंह ने किसानों द्वारा की जा रही आईपीएम तकनीकी से हानिकारक कीड़ों से फसलों को बचाने के लिए नीली पीली स्टिक, लाइट ट्रैप, पाइन बुश आदि का इस्तेमाल कर हानिकारक रसायन मुक्त खेती को देखा और किसानों की तारीफ भी की। टीडीओ एकता सिंह ने कहा कि किसान बहुत अच्छी तरह से हानिकारक रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं। आईपीएम तकनीकी सभी किसानों को इस्तेमाल करनी चाहिए। इस विधि के प्रयोग से हम वनस्पति संरक्षण, पर्यावरण एवं प्रकृति को सुरक्षित रख सकते हैं। जैविक खेती से हो रहा है अच्छा मुनाफा। एक महिला किसान निशा वर्मा ने बताया कि आज हम देसी सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिसमें जैविक खाद डालकर अच्छी उपज करके न केवल अच्छा मुनाफा कमाया जा रहा है, बल्कि पर्यावरण को शुद्ध रखने में भी सहायता मिल रही है। साथ ही महिला ने किसान भाइयों से भी जैविक खेती की ओर बढ़ने की अपील की, जिससे उन्हें भी काफी मुनाफा होगा। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।